नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइन सप्ताह में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ लड़ रही थी और सही और गलत के बीच जूझ रही थी। आज के बाद मारे को धमकी दी ना, फोड़ दूंगी उसने। हिम्मत कैसे हुई तारी? क्या बोला? अनाथ? अनाथ कोनी सू मैं? अरे अकेली ही काफी हो तुम सबके लिए, और जब अपनी माँ का दूध पिया है ना तो उसके गोद में बैठा रहे। अरे जाटनी हो, जान देने से ना डरो। ये वीडियो देखने पर पहली बार ऐसा ही लगता है कि शायद ये लड़की बचकानी और बहुत बदतमीज होगी, लेकिन जिसके बारे में हम कुछ जानते तक नहीं हैं, हमें उसके चरित्र पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। और आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो इस लड़की को ऐसा वीडियो बनाने की नौबत आई? बेटा तेरी रीना दीदी को फोन लगा, अब तक नहीं आई। रहन दे, अब उसने कहीं बिजी होगी, तो फोन लगाना। हेलो। हेलो दीदी, तू आ रही है ना? के करने तने पता है ना कि मारे घर में मुसीबत कम ना है, और वैसे भी आज इनकी मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। पर दीदी, तारे को पता था ना आज पापा का चौथा है। तो क्या करूं मैं, घर छोड़ के आ जाओ के? देख रागिनी, तू भी समझ ले, इब माँ ने भी समझा दे कि तारे घर के प्रॉब्लम अब तने ही संभालने होंगे। ठीक से अरे दे दूंगी ना थारे पैसे, भाग थोड़े ही जाऊंगी। चल अब सामान देते। बहन पिछले बार बोला था पैसे दूंगा, नहीं दिए। अरे तीसरा महीना चढ़ गया है, कब पैसे आएगी, कब देगी? अरे कुछ भी करके दे दूंगी, अभी तो सामान देते। कुछ भी करेगी? अपनी बेटी ने बेचेगी क्या? तेरी तो कोई कीमत देने वाली नहीं है। ए चमार, ए! बात कर, हाथ तो लगा के देख मेरी बेटी को। अरे जद्दार लोग यार, क्या करता है? अरे गुंडा कर दी सर, बुलाओ बुलाओ, क्या कर रहे? बिना पीछे मार देंगे। अरे कल युग का जमाना गया, भलाई का जमाना नहीं। रागिनी, रागिनी बेटा कहाँ रह गई थी तू? ये क्यों हो रहा है माँ? अरे शीना दीदी की शादी तय हो गई है। ये पंकज है, थारा जिज्जा जी। याद है ना उस दिन दुकान में कहा हुआ था? क्या बात है, थारे आंखों में पानी? रागिनी क्या हुआ बेटा, क्या बात है? ये बता दे, घर की ही बात है। मामू कॉलेज में फीस देनी से, वो बोले कि अगर 10 दिन में फीस ना दी तो हमारे को कॉलेज से निकाल देंगे। अब आप चिंता ना करो, इब सब मुझ पे छोड़ दो, तो मैं संभाल लूंगा। एक बात बता, पंकज कैसा आदमी है? माँ। हाँ बेटा। ये पंकज का नाम कुछ ठीक ना से पूरे शहर में। के मतलब? मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा था। अच्छा, तो तूने अपने जिज्जा जी पे भी जासूसी की? माँ उसके ऊपर FIR दर्ज है। थोड़ा गर्म बुद्धि का जज से वो, पर वो हमारा ख्याल रखेगा। तू
कितना जानती है पंकज ने। तू सच में खुश है ना? हाँ मैं तो खुश हूँ, लेकिन अगर मेरी छोटी रागिनी खुश नहीं होवेगी तो शादी में मजा नहीं आवेगा। ले जब तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। हाँ चल आ जा। बेटी की और विदाई कर दी आपने। इस बार बेटी की विदाई नहीं की बल्कि बेटा पाया है जो हमारी बेटी और हमारे परिवार को संभालेगा। अकेले सबक सिखा सकूं तो कुछ ना करेगी। क्या किया था तने? मैंने कुछ नहीं किया था मम्मा। अरे हालत देख इसकी। देख बेटा पति है वो थारा और हम सबका ख्याल रखे से वो। अरे हर पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, ऐसे घर छोड़ के आने का क्या मतलब? शीना, शीना दरवाजा खोल। दरवाजा खोलेगा तोड़ो। अरे चल। मत कैसे हुए घर से बाहर निकलने की? कहाँ पैर चलने लगे थारा? हट परे। दीदी, ना जा इसके साथ। हट। दीदी। चला गाड़ी चला। दीदी। दीदी ने वो आदमी ठीक ना से। अरे यही सही से हम तीनों औरतें मिलकर अपना पेट नहीं पाल सकते, जो अकेले थारे पंकज जीजा करे से। और अगर तारे को लागे कि ये रास्ता सही नहीं है तो जा ढूंढ कोई और रास्ता कमाने का, फिर जो जी में आए कर। दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, अपने कलेजे को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हम आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक नया मनोरंजन, एक नया रोमांस, देसी रागिनी। अरे क्या हो रहा है? अरे भैया मैडम डांस कर दिखाओगी। ओ मैडम मैं आऊ के ऊपर। ओए ठंडी होके क्या छोरी, जल्दी कर। रागिनी तो क्या हो गया, पब्लिक पागल हो रही है। हटाओ इसने, हटाओ। अरे आ किसने उठा लाया हमारा इसका? अरे क्या ने उठा लाया तू? अरे दीपा ने बुला ना, दीपा ने। क्या बात है रागिनी, क्या हुआ? डर गई? बैठ बैठ। क्या हुआ? देख रागिनी पहली पहली बार है, थोड़ी मुश्किल होती है। देख मैं तेरे से जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन यही सही मौका है अपने आप को साबित करने का और पैसे कमाने का, समझ गई? ये भीड़ है रागिनी, कुछ ना इनमें, इतना सा भी दमना इनमें कितने छू सके। बस तन्ने अपने अंदर के डर को खाना पड़ेगा, वरना ये सारे ना तन्ने खा जाएंगे।
ये ले तेरी कमाई। एक बात बोलू रागिनी, कुछ ही महीनों में तैने पूरे हरियाणा में धमाका कर दिया है? के करेगी इतने पैसे का है? ये तो तेरी जरूरत से भी ज्यादा है। इक्की बार ना माँ के लिए स्कूटी खरीदेंगे। समाज में अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए शायद रागिनी को कठोर बनना ही पड़ा, पर चूंकि उसकी मंजिल साफ थी इसलिए शायद उसने रास्ते की परवाह नहीं की। कुछ लोग कहेंगे कि उसने जल्दबाजी में गलत रास्ता चुना, पर शायद ये रास्ता उसे मजबूत बना रहा था। धीरे धीरे रागिनी की पहचान और कमाई तो बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही बढ़ रहा था उसके आसपास मंडरा रहा खतरा। ए? अंदर कैसे आ गया रे? मैं खोल लूंगी कुर्ता तेरा, देख गुस्सा नहीं करा करते मानस। अरे मैं तो तेरी मदद करूं सो। तेरी मदद करेगा रे? ए ए सॉरी, चढ़ जा। मैं सिर्फ देखने की मौज हूं, हाथ लगाने की नहीं। बावड़ी हो रही सके तो हटा इसने। अरे बात होगी चल चल निकल। बहन के भाई इसे दे दे। कहां से घुस गयो सर अब भी है? लेकिन एक बात है, अपनी रक्षा करनी सीख ली तने, है? अब तने किसी की जरूरत ना, बहुत आगे जा गई तू। तू ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। ये क्या है? सामान है तेरे लिए। चल अब एक काम करते हैं, एक फोटो लेते हैं बढ़िया सी सामान के साथ। हाँ चल आ जा, उठा उठा सामान उठा। हाँ चल अब मैं आती हूँ, ठीक है? कुछ चाय पानी पीगी तू? रागिनी के रागिनी देख, तन्ने जिस दिन अपने लिए कुछ करने की इच्छा जागे है ना, तब आना हमारे पास। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा प्रोग्राम से ही है। अरे ओ मैं यहाँ हवा खान नहीं आई हूँ, बुलाया गया है मैंने गाड़ी भिजवा के। और तू कौन सी सेठानी लागे जो मारे सवाल जवाब करे? औकात मैंने सवे हाथ पर लगा मैंने। ये हाथ कैसे लगा रही है तू? रहने दे दीपा, छोड़ मैंने खत्म कर दूंगी तेरे को, खत्म कर दूंगी। रहने दे दीपा। रागिनी के लड़ रही है तू इन सब से? के मिलेगा इससे? अरे वहां जनता तेरा इंतजार कर रही, तैयार हो जा। चल चल छोड़ इन सब ने, तन्ने तो मैं देख लूंगा। रागिनी याद रखे कि तू, अरे तू याद रख ले कि कौन ज्यादा फेमस है। और हाँ धमकी देने के बारे में सोचना भी मत। अब तो आपको हमारी रैली की शान बढ़ानी ही होगी, अपनी रेशमी लचक थोड़ी हम पर भी तो बरसाओ ना। हाँ साहब बिल्कुल, आपकी रैली में तो शामिल होना हमारा सौभाग्य होगा। बाकी पैसे वैसे की बात में कर लेंगे। जैसे आप कहें। नमस्कार। क्या रागिनी नेताजी से? मैं इसकी रैली में नहीं ना चुकी, मम्मी आदमी बिल्कुल पसंद ना से। बड़ा ऑर्डर है। दीदी हेलो, बचा ले। क्यों हो गया? हेलो संभल के बेटा, संभल के। इंस्पेक्टर साहब,
इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? मारे को कंप्लेन लिखवानी से। ठीक है, लेकिन हुआ क्या इसे? रेप। अपनो पत्तो तो नहीं चल रहे आज। क्या हो गया चमक? चल लो। मत कैसे भी थारी मारी बहन को हाथ लगाने की। ए छोरे हिम्मत कैसे हो गई? हट पकड़ जाए। छोड़ आज तेरे सबक सिखाऊंगा मैं। डोंट बड़े फिर से तू है बड़ी। डोंट बड़े फिर से। घनी गर्मी आ गई से थारा में है। अभी दूर करूं थारी सारी गर्मी। हमारी सीना दीदी का जीना मुश्किल कर दिया से उसने। अरे मैं तो उसे अपना हिसाब बराबर करने गई थी, लेकिन वो भेड़िया तो मेरे पर ही कूद गया। तो क्या जरूरत थी, सीधे थाने आ जाती। अरे मैंने सपना आ रहा था कि क्यों मेरे साथ ये सब करेगा। सीना दीदी ने तो मार मार के अधमरा कर दिया से। ना जीने देता है ना जाने देता है उसने। बस ना आपा खूब बैठी थी, बस इसीलिए जो हाथ आया लिया और चल दी उससे मारने। घनी गर्मी आ गई से थारा में है। अभी दूर करूं थारी सारी गर्मी। छोड़ मन्ने पक्का। छोड़ मेरी बेटी का। अरे छोड़। अरे छोड़ो छोड़ो उसके। पक्का छोड़ मेरी बेटी को। चल छोड़ो ना। नहीं जाना। चल चल। क्यों गया? गाड़ी में बिठा इसको। अरे के चाल रहे है सब? तू बताएगा के चाल रहे है? अरे थारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे लाने की? ज्यादा हीरो मत बन इंस्पेक्टर। भाई नितेश। जी सर। बलात्कार में कौन सी धारा लगे? बलात्कार में 376 और 7 की कैद हुआ उसमें ना? जी सर। और घरेलू हिंसा में? घरेलू हिंसा चल तू रहने दे, इसने मालूम होगा। क्यों भाई? ओ तो महारानी पहुंच गई आप तक अपने लटके झटके लेके। लगता है तुमने उसके लटके झटके का स्वाद खूब चाख रखा है। अब हमारे भी झटके और फटके का स्वाद चख ले। साहब घटिया औरत से वो, तुम उसकी बात सुनने लाग रहे हो? अरे पूरे हरियाणा और दिल्ली ने नचा चुकी है। पुराना पेशा है ये उसका। मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, वो ही जबरदस्ती मेरी बीवी के दिमाग में जहर भरे से। वो चाहती नहीं हम दोनों साथ रहे। पूरे मोहल्ले में डॉन बड़े फिरे से। कर दिया होगा कांड किसी ने और मेरे मत्थे मर रही है। ऐसी लड़कियों को मैं मुंह भी नहीं लगाता। क्यों? तेरे मुंह में कीड़े लड़ रहे हैं? सच क्या है खुद ब खुद सामने आ लेगा और तब तक तू हमारी कस्टडी में और खातिरदारी में है। शशांक जी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ आपका, बड़ी खुशी हुई मन्ने। पर क्या है ना, अगर आप थोड़ा काम किसानों के लिए भी करोगे ना तो और खुशी होगी हमने। अब भी हर महीने कितने किसान आत्महत्या करें और आप यहाँ बैठ के डांस प्रोग्राम देखे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। अगर किसान मरने लग गए तो सब खाएंगे के? मन्ने तो लागे है सारे किसानों ने मिल के ना एक मुहिम छेड़नी चाहिए, तभी इन नेताओं की आँखें खुलेंगी। अरे बहुत समय हो गया सोते सोते, कब तक सोएंगे? धन्यवाद। अरे कुर्ता फाड़ दिया कॉर्पोरेटर साहब का, शक्ल देखी थी उसकी तुमने? और छोटू कैसा है? ठीक से? अच्छे बात। छोड़ दे, हम डाल लेंगे।
कन्ने के हुआ। देख बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है तू। पता है मन्ने, पर लगता है तन्ने मारी वो वीडियो ना देखी। अरे किसी के ताऊ से ना डरूं। तेरे जिज्जा को बेल मिल गई। सब मेरी गलती से है। रागनी सही कह रही थी, वो लड़का सही लड़का ना से। मन्ने माफ कर दो माँ, मन्ने गलती हो गई। ये बांसू बाणे से कोई फायदा ना से दीदी, बस तुझे सतर्क रहना होगा। मन्ने पूरा भरोसा है कि वो चुप तो ना बैठेगा, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं उसने देख लूंगी। देसी कट्टा ये आसानी से नहीं मिलता, 25 से 30 मीटर तक मारता है और आदमी एक बार में सीधा ऊपर। इसको ऐसे पकड़ते हैं बट से, ऐसे दोनों हाथों से। हाँ पकड़ तो घनी मजबूत है थारी। ज्यादा पकड़ ना आज माँ मेरी। जमीन पे कब्जा हुआ कि नहीं? इसके मालिक को उठा के ला। उसका बाप नहीं मान रहा है तो लेके आओ उसके बाप को मेरे पास शाम को। बात हो गई हीरोइन, अब भी याद आवे हमारी? अरे मुंह ना लग, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं, कीमत दूंगा। सुनिए अगली चल चल यहां से बोल ना के क्या है। छोड़ मन्ने, अरे मन्ने कीमत देगा तू? ओ काट के आ तेरी छोरी बावड़ी हो गई क्या तुम? मैं ए छोड़ कोई रास्ता ना था, और वैसे भी दोबारा कंप्लेन करती तो आप लोगों से बेल पर छोड़ देते। तो क्या कट्टा चला के इंसाफ लेगी? अगर पंकज ने कुछ भी किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। और अगर वो साला फिर छूट गया तो भी तू कानून हाथ में नहीं ले सकती। शांति रख और हमें हमारा काम करने दे। अरे साहब मारा विश्वास करो, उसी ने मारा बलात्कार किया से, वो भी मेरी माँ की अखा के सामने। फिर भी साला थॉट से बाहर घूम रहा से। तो भी तू कानून पे विश्वास रख, जिस दिन तेरी माँ कोर्ट में गवाही देगी ना उस दिन पंकज को सजा जरूर होगी। लेकिन अब तने कुछ करने की जरूरत ना है। पुरुष प्रधान दुनिया में अपने पैर जमाते जमाते रागिनी धीरे धीरे जुर्म की दुनिया की तरफ भी बढ़ रही थी। खतरनाक लोगों से लड़ते लड़ते उसने कानून को भी अपने हाथों में ले लिया था। शायद वो ये सब कुछ अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए कर रही थी, लेकिन गलत रास्ता तो हमेशा गलत ही होता है। और जब एक बार आप जुर्म के साए में आ जाते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ की गवाही के बाद पंकज को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन रागिनी हार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन किसने मारा? पंकज ने मार दिया।
एक और हादसा, शायद रागिनी की हरकतों की वजह से ही आज उसे यह दिन देखना पड़ा था। पंकज आखिरकार सुनंदा जी की मौत के जुर्म में सलाखों के पीछे था, पर रागिनी को पूरा इंसाफ मिलना अभी बाकी था। लेकिन इन सब चीजों की वजह से उसके हौसले और लोकप्रियता में जरा सी भी कमी नहीं आई थी, बल्कि उसके चर्चे और भी ज्यादा बढ़ गए थे। हालांकि उसे बार बार सोशल मीडिया से दूर रहने की भी सलाह दी गई थी, लेकिन रागिनी कहां किसी की सुनने वाली थी। अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाए रखने के लिए उसने कई गलत लोगों के साथ भी अपना नाता जोड़ लिया था। उसके दुश्मन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। वो हर किसी से बिना सोचे समझे लड़ती जा रही थी। हर रैली में कॉरपोरेटर शशांक की बदनामी और अपने सह कलाकार दीपा और शेरा से दुश्मनी जैसे उसके लिए घात लगाए बैठे थे। लेकिन रागिनी के हौसले टस से मस नहीं हुए। वो 22 साल की उम्र में जेल भी गई, लेकिन अपने आप को नाबालिग साबित करके बाहर भी आ गई। तभी रघु भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अब उसके पास अपने आप के अलावा और कोई नहीं था। उसके ऑनलाइन वीडियोस अब और भी ज्यादा कठोर हो चुके थे। क्या बोला समन्ना? वीडियो हटा ले। चल, नहीं हटानी है वीडियो, क्या कर लेगा? अब तो मैं और वीडियो डालूंगी इंटरनेट पर। रागिनी हो क्या समझ रखा है मन्ने? और जब अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो उसके गोद में बैठा रहे। मन्ने तो पहले ही कहा था, जटनी से टकराए हो ना, आ जाओ सामने और एक एक का नाम ना ऑनलाइन डालूंगी सबका। और जब पंकज जैसे लोगों को ना कमर पे बांध के नचाऊं, उसको सारे आम नंगा करके नचाऊंगी पूरे दिल्ली और हरियाणा में, कुछ नहीं उकार पाएगा वो। बहुत नचा लिया रागिनी ने, अब आपकी भागने की बारी आ गई से। और जे कोई सोचे है ना, स्टेज से भगा देंगे। जाके बोल दो, एक एक की लंगोट खोल के जाऊंगी। एक्सक्यूज मैम, एक सेल्फी। Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Hello, ma'am. Ma'am, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ma'am. One selfie, please, ma'am. हाँ हाँ. भीड़ का प्यार समेट रही रागिनी अब एक पल में अपने ही खून में लथपथ पड़ी थी। दिन दहाड़े उस पर गोलियां बरसाकर उसकी हत्या करती गई थी। हर बड़े हादसे की तरह रागिनी की मौत भी एक स्कैंडल बन गई। सहानुभूति देने वाले फैंस की कमी नहीं थी, लेकिन सबूत और गवाह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। और पुलिस के लिए केस
दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। सर, 5 दिन पहले मैं दीदी से सोशल मीडिया में मिली सर। मैं उसका काम संभालता था सर। मैं साल भर पहले से उसकी गाड़ी चला रहा। दीदी मुझे अपने बारे में सब बता रही थी, जबकि रैली वगैरह में तो सब कुछ ठीक था। उन लोगों ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, इसलिए हमें चेहरा दिखाई नहीं दिया। आप लोगों को किसी पे कोई शक है? सर, उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से सबको हैरान कर रखा था। जी सर, सड़क पे चलते गुंडों से लेकर कॉरपोरेट तक सारों से पंगे ले चुकी थी। यहाँ तक कि उसका जीजा भी जेल में बैठा उससे खुंदक खा रहा था। सर, उसी की पेशे की दूसरी सिंगर दीपा सिंह का प्रोग्राम भी रागिनी की वजह से बंद हुआ था। दीपा सिंह, यानी कि रागिनी के आने के बाद दीपा सिंह को नुकसान पहुंचा होगा। ये दीपा सिंह के कॉल डिटेल्स निकलवाओ, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब पता करो। सर, कम इन। सर, रागिनी की बहन आई है उसकी बॉडी की शिनाख्त करने। देख, तन्ने जिस दिन अपने लिए कुछ करने की इच्छा जागे है ना, तब आना हमारे पास। रागिनी ने मार दिया। देख, मारी कोई बहन ना थी, समझ गई? और अब मुझे फोन करने की कोई जरूरत ना है, समझ गई तू? दीदी, मुझे उससे क्या दिक्कत हो सकती है साहब? मेरा प्रोग्राम भी उतना ही फेमस है, और वो भी उससे पहले से। अच्छा, लेकिन रागिनी ने तो एक वीडियो में तुम दोनों का भी नाम लिया था। सर जी, वो तो बावड़ी थी, किसका नाम नहीं लिया था उसने? बेवजह उस नेता जी के भी पीछे पड़ गई। बेवजह कुछ भी नहीं था, दिन दहाड़े गोली चली गई थी उस पे, और उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। और एक बात याद रखना, अगर हमें आगे चल के पता चले ना कि धमकाने में तू भी शामिल था, तो उठा के अंदर कर दूंगा, मार मार के ना तेरी सारी चर्बी उतार दूंगा मैं एक दिन में। सर, धमकाया तो मैंने भी था उसे, लेकिन सिर्फ डराने के लिए धमकाया था, हमारा और कोई इरादा नहीं था। साहब, मैंने खुद ही कबूल किया कि मैंने रागिनी को धमकी दी थी, और किस बात के लिए मैंने पकड़ के रखा है? एहसान किया हम पे, आरती उतारे तेरी इस बात की। देख भाई, तने रागिनी ने धमकी दी, और वो सिर्फ धमकी थी या फिर? मैंने रागिनी को कुछ ना किया साहब, और जिस तरह उस छोरी ने हम सबकी बैंड बजा के रखी थी, हमारा तो धंधा ही खतरे में पड़ गया था साहब। तो तू मानता है कि वो तेरी दुश्मन थी? दुश्मन ना थी सर जी, कंपटीशन थी। असली दुश्मन तो नेताजी शशांक था, असली पंगा तो उसी के साथ लिया था उसने। मतलब क्या है तेरा? एक दिन नेताजी शशांक हमें मिलने आए थे। अरे, हमारा रास्ता कैसे देख लिया नेताजी? आपकी नई शान रागिनी कुछ ठीक ही पड़ गई लागे से। जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है ना, उसका रंग तो अपने आप ही उड़ जाएगा, फीका होने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। वैसे तुम्हारे जैसे रंग तो कोई और चढ़ा ही नहीं सकता। जितना गुस्सा था उनमें, मने तो तभी लग रहा था कि उनका कोई और इरादा है। इरादा तो मने भी तेरा कोई ठीक ना लागे। अब मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? नेताजी, हम पुलिस वालों का काम ही है सवाल पूछना, इस बात की तो तंखा लेते हैं हम। देखो, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं ये नाचने गाने वालियों से डरता नहीं हूँ। अच्छा, अब बिल्कुल नहीं डरते? उस दिन प्रोग्राम में क्यों डर गए थे आप? वो गर्म खून है, जोश आ गया था, लेकिन डरा नहीं था मैं। वैसे भी जिस तरह से वो सोशल साइट पर लोगों को गालियां देकर दुश्मनी मोल ले रही थी, उसे तो लग रहा था कि कुछ ही दिनों में उसकी दुकान बंद हो जाएगी। सर, नेताजी से कुछ पता चला? सर, नेताजी से बात हुई मेरी, लेकिन बंद कर लें इंजन ने।
सर नेताजी से बात हुई मेरी, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। यार यूं पता लगाओ ये नेताजी और शेरा किस किस के साथ बैठ के चाय पानी पी रहे हैं, क्योंकि अगर इस कांड में नेताजी का हाथ है, ये कांड उसने अकेले तो कराया नहीं होगा। ये रागिनी ने जो सोशल मीडिया में अपनी वीडियो डाल रखी है वो दिखाओ। सर हो सके शायद कुछ छूट रहा हो हमसे। ये देखिए सर, भाई पंकज इतना बड़ा आदमी नहीं है कि जेल में बैठ के अकेले इतना बड़ा कांड करवा दे। बैठो, रागिनी के घर चलते हैं, उसकी बहन से ही कुछ पता चली जाए। कुछ नहीं पता सर। ये तो हमने भी पता है। इब जो हमने नहीं पता वो बताओ, पंकज से बात होती है जेल से ना? उसको भी तो तकलीफ हो रखी थी इस रागिनी से। देख छोरी, तेरा हो लिया अब सब कुछ खत्म, अब कुछ डरने की जरूरत ना है, सब सच सच बता दे। सच में सर, मन्ने माफ करो, मन्ने कुछ नहीं पता। रागिनी थारे वास्ते खड़ी हुई थी, पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले रखी थी तेरी खातर। अब तेरी बारी है रागिनी के लिए खड़ा हूं उनकी, बस एक बार, बाकी हम पे छोड़ दे। छोरी कुछ तो छुपा रही है। भाई नितेश कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रही है। ये शीना के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, सारे सारे के सारे गलत नंबर ही लग रहे हैं इस बार, सही नंबर कोई लग ही नहीं रहा। जनाब पंकज से बात करें? हाँ भाई, उससे भी आयलो करनी पड़ेगी। चलो दिल कुछ कर दिया तन्ने मारा। मतलब मैंने जेल में बैठे बैठे रागिनी को बाहर मरवा दिया। ये हसीन है, कंट्रोल कर ले, बहुत फैल रही है ये। देख इंस्पेक्टर, मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था, घने दुश्मन बना लिया इस चोरी ने, मार दिया हुआ किसने, मरना तो था ही उसको, और मरे या जेल में डलवा कर जमाने भर में नाचती फिर रही है। फिर गलत जवाब। क्या हमारा जमीर इतना गिर गया है कि हम मरने के बाद भी किसी इंसान को सम्मान नहीं दे सकते? कंपटीशन और निजी दुश्मनी क्या इस हद तक ठीक है कि हम अपने आचार विचार, अपने संस्कार सब कुछ भूल जाएं? रागिनी के दुश्मनों की लिस्ट लंबी थी और इसी वजह से अपराधी को ढूंढना भी उतना ही मुश्किल हो रहा था। सुना है रागिनी की कोई बड़ी बहन भी है? जी सर, रीना। भाई जरा उससे भी आयलो करो, शायद कुछ पता चले। सर कौन रागिनी? मैं किसी रागिनी को जानती को नहीं, मेरा उस परिवार के साथ कोई रिश्ता ना है। देखिए उसी की हत्या के बारे में हम देखिए, मैं इस बारे में कोई बात ना करना चाहूं, आप लोग जाओ यहां से प्लीज। सर बात करना तो दूर, मारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती वो। इतना गुस्सा? भाई नितेश यो भी तो हो सका है कि उसी ने अपनी बहन को मारा हो। सर लगता तो नहीं है, मैंने उसके और उसके पति के सारे क्वालिटीज चेक करवाए, सब क्लीन। तो फिर कौन है जो अभी तक हमारी नजरों से छूटा पड़ा है? सर पंकज के बारे में कुछ पता चला? मर गया कि? अरे नहीं नहीं सर, इतनी जल्दी कैसे? लेकिन जेल के अंदर बैठ के दूसरों को मरवाना सीख लिया था इसने। मतलब? सर रागिनी के खून के कुछ दिनों पहले तक पंकज को दो गुर्गों के साथ अक्सर जेल में देखा जाता था, एक है मदनलाल और दो है रूम। सर दोनों के दोनों सुपारी के लिए सर, और इस कांड के सिर्फ दो दिन पहले ये लोग जेल से रिहा हुए थे। तो यो बात है, ये पंकज महाशय इस तरह तो अपना मुंह खोलेंगे नहीं। ये रूप और मदन इनको ढूंढो। मैंने सर्च टीम भेज दी है सर। सर सर रागिनी की बहन आपने मिलना है? हमारे बच्चे की रक्षा करनी होगी, वरना वो मार देगा सर मेरे बच्चे को। बैठो। आप चिंता ना करो, आप दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, जो कुछ भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। सर रागिनी के खून से दो दिन पहले
मेरे पति पंकज का फोन आया था। हेलो, सुन मैं बोल रहा हूँ, घाटने की सोचो भी मत, जेल के अंदर से फोन कर रहा हूँ। पावर इब भी खत्म ना हुई मेरी, नजर है मेरी तेरे पे और तेरे बच्चे पे। इब के चाहिए तेने? सवाल मत पूछ और ध्यान से सुन, कल मेरा दोस्त मदनलाल आएगा, 50,000 रुपए दे देना उसको चुपचाप। पर 50,000 मैं कहाँ से लाऊंगी? 50,000? अरे बोलो ना, सवाल मत पूछ, जो तेरे जेवर और तेरी माँ के जेवर के अपनी मैयत पे पहन के जाएगी। भाई नितेश, क्या हाल बना रखा है इसका? कितना सुंदर लग रहा है हीरो। भाई मौर्या, फोटो तो निकाल दे रहा है इसकी। अपने हीरो में कुछ बात तो है। वाह, ले भाई अपना यो खूबसूरत चेहरा देख ले, शायद दोबारा ये खूबसूरत चेहरा देखने को ना मिले। के बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर? बकवास ये है साहब कि आपका दोस्त है ना, क्या नाम है नितेश उसका? मदनलाल। वो अब हमारे हत्ते चढ़ गया है, नाम तो सुने ही होगा उसका। और के है कि मदनलाल की याददाश्त तेरी याददाश्त से कुछ ज्यादा ही तेज है, सब कुछ उगल दिया है उसने। शीना की भी पहचान कर ली है, जेल में सौदा, 50,000 रुपए, सब। और चौंकाने वाली बात यह है कि रागिनी जाते जाते शीना में हिम्मत भर गई और शीना ने भी तेरे खिलाफ गवाही दे दी। उस बेचारी ने क्या पता था कि वो अपनी बहन की सुपारी दे रही है। अच्छी कहानी पढ़ाई तन्ने। कहानी तो तेरी इब बनाऊंगा मैं, चुपचाप मुंह खोल दे अपना, वरना इतना तो तने मालूम ही होगा कि सरकार इतने पुलिस वाला ने खाली बैठन की तनख्वाह तो ना ही देती होगी। अब बोल भी दे। जिंदगी बर्बाद कर रखी थी उसने मारी, कोर्ट में गवाही देने वाली थी मारा खिलाफ, अपने आप ने बड़ी दादा समझने लगी थी। सेठ, ये जो छोकरियां हुए ना, ये खुद ने छोरिया ते गणाई ऊपर लावे से। इसी छोकरी की बोलती बंद करण का स्वाद ही कुछ हो रहा है। 2 दिन की बात है बस, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा और जो आप कहो तो उस छोकरी ते हेलो बोलाऊं। बाकी रही बात पैसों की, उसका ख्याल तो आप रख ही लोगे। भाई नितेश। जी सर। मैंने बोल लिया था ना, हमारे ऐसे फॉर्मूले काम में आते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि तेरे वो दोस्त पकड़े नहीं गए, लेकिन तू अब जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा, यो बात कन्फर्म है। और सुन, पुलिस इंस्पेक्टर हूं, तेरे बाप का नौकर ना हूं जो तू तड़ाक करके बात करे है मुझसे, समझा? हीरो, झूठ बोल के गवाही ली है मारी, कोर्ट में सब बोल दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को, छोड़ूंगा नहीं। जिन दोनों गुंडों ने रागिनी पर गोलियां चलाई वो अब भी फरार है, लेकिन पंकज अब अपनी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। हमें उन लोगों से तकलीफ होती है जो हमारी अपनी बनाई हुई सोच में फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन रागिनी को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। अपने परिवार की जिम्मेदारी ने उसे कठोर बना दिया था, उसका तरीका शायद थोड़ा सख्त था, लेकिन उसके लिए उसने जो कीमत चुकाई वो उससे कहीं ज्यादा थी। रागिनी की जिंदगी की लड़ाई इस देश में लगभग हर लड़की की लड़ाई जैसी है। इस पुरुष प्रधान समाज में आज भी औरत अपना अस्तित्व ढूंढ रही है और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सबका समान आदर और सम्मान करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं,
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।